हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आज हम आगे क्लास कंटिन्यू करने वाले हैं। जैसा कि लास्ट क्लास में, यानी इससे पहले, हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पूरा कॉन्सेप्ट खत्म किया था, उसमें मे भी किसी बच्चों का डाउट हो सकता है, तो वो डाउट सेशन और आज वाले टॉपिक दोनों को मिला के एक बार ही डाउट सेशन लूंगा मैं। आज का टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक बात और मैं बता दूं, आपके जो सेकंड चैप्टर है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसके अंदर आपका एक पार्टनर्स कैपिटल, पार्टनर्स करंट अकाउंट भी बनाने को दिया हुआ है। हम पार्टनर्स कैपिटल इस चैप्टर में कवर नहीं करेंगे, क्योंकि हम पूरे 12th के दौरान में 200 से 300 बार हम पार्टनर्स कैपिटल बनाने वाले हैं। लेकिन जो सेकेंड चैप्टर है, इसमें से पार्टनर्स कैपिटल का कभी क्वेश्चन पूछा नहीं जाता। वो जब हम एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और एक अगला हमारा डिसोल्यूशन करेंगे, तब अच्छे से सीख लेंगे। अभी पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन अगर देखते हो आप, तो इग्नोर करना है उस हेडिंग को, ठीक है ना? हाँ, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बना के प्रॉफिट कैलकुलेट करके देख सकते हो, जो आपके बुक में अगर क्वेश्चन है तो। बच्चे, आज का जो टॉपिक हमारा है वो है हमारा आज का टॉपिक क्या, कमीशन एंड सैलरी। तो बेसिकली हमारा सैलरी तो नहीं है, बेसिकली हमारा कमीशन का है। अब मैं कमीशन में, पता है दिक्कत कब आई? कमीशन दो तरीके से गिवन हो सकता है, या कमीशन गिवन हो सकता है आपका। मैं जो कमीशन बात कर रहा हूं, ये पार्टनर की कमीशन की बात कर रहा हूं, मैनेजर कमीशन नहीं। या तो एक फिक्स अमाउंट गिवन हो सकता है, या हो सकता है ऑन सेल, सेल के ऊपर, या हो सकता है ऑन नेट प्रॉफिट के ऊपर। हम किसी भी पार्टनर को ऑफर कर सकते हैं तीन तरीके से कमीशन। या तो बोलेंगे भाई, जैसे कि एग्जांपल लो, जैसे कि मान लो ये हमारा पार्टनरशिप फर्म है ना, और इसके पार्टनर ए और बी हैं। ये इसका पार्टनर ए, ये इसका पार्टनर बी। तो इनको जो कमीशन देने की बात होगी ना, जो हमारा पार्टनरशिप फर्म इसको कमीशन देने की बात करेगा, वो तीन तरीके से बोल सकता है। या तो बोल सकता है कि ए भाई, तुम्हें कमीशन दिए जाएंगे 2,000 रुपए, फिक्स है। तब हमें उस कमीशन वाले टॉपिक को नहीं सीखना। अगर ए को 2,000 कमीशन दिया जाएगा, तो बहुत ही सिंपल तरीके से आप देखो, आप बनाओगे पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, और इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आप क्या करोगे, इस पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में आप कमीशन दिखा दोगे टू साइड में, टू एज कमीशन, एज कमीशन 2,000 रुपए, दैट्स इट। अगर मान लेते हैं नेट प्रॉफिट मेरा है 10,000, मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आप समझिए इस बात को, ठीक है ना? तो 8,000 बचे और 8,000 दोनों ए और बी में बट जाएगा। रेशो दे रखा है, इक्वल बांट देना, 4,000 बट जाएंगे, है ना? ऐसा भी हो सकता है कि बी को बोला जाए आपको कमीशन दिया जाएगा 5% ऑन टर्नओवर, टर्नओवर, सेल को हम टर्नओवर भी बोलते हैं, ठीक है ना? तो सेल के ऊपर 5% और टर्नओवर बुक में दे रखा है आपको, मान लेते हैं कि 1,00,000। तो अब बताइए बी को कैसे कमीशन देंगे, बताइए बी को कैसे कमीशन दिया जाएगा। बड़ा ही सिंपल सा जवाब है, कमीशन टू बी, यानी बी का कमीशन, बी का कमीशन, और बी का कमीशन 1,00,000 पे 5%, यानी 5,000 है कि नहीं? अब आपसे प्रॉफिट अगर पूछा जाए, तो आप बहुत ही आसान तरीके से 10,000 में से 7,000 माइनस कर देंगे,
बचा हमारा 3,000, वो 3,000 बांट दिया जाएगा। तो बच्चे इस दोनों पॉइंट में तो समस्या नहीं है, जैसा कि आप भी देख पा रहे होगे, ये तो बड़ा ही आसान टॉपिक है। प्रॉब्लम होता है जब नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाए आपको। प्रॉब्लम कब क्रिएट होता है? जब आपको कमीशन कहाँ दिया जाता है? नेट प्रॉफिट के ऊपर, है ना? और जब नेट प्रॉफिट के ऊपर कमीशन दिया जाता है तब बड़ी समस्या आ जाती है। कैसी समस्या? क्या करें ना करें? तो बच्चे एक तो नेट प्रॉफिट के ऊपर अगर कमीशन दिया जाएगा तो यहां पे भी दो पॉइंट्स आ जाएंगे, और ये पॉइंट अभी मैं लिख के मिटा दूंगा, आफ्टर एंड बिफोर। ये दोनों पॉइंट जो होता है ना, आफ्टर और बिफोर, ये बच्चों के माइंड में होता है कि आफ्टर है तो 10% यानी 10/110, और बिफोर है तो सिर्फ 10/100। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें समझना पड़ेगा कि आफ्टर इज वॉट, ठीक है ना? आफ्टर इज वॉट, तो वो समझेंगे हम। तो आज का टॉपिक रहेगा, बाकी सैलरी का कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है नहीं, लेकिन टॉपिक बना दिया है कमीशन एंड सैलरी। सैलरी तो सिंपली अगर मैं बोलूं कि फर्म बोलता है ए को कि आपको 200 रुपये महीने की सैलरी दी जाएगी, तो आप सैलरी निकाल सकते हो 2400 रुपये। फर्म बोलता है कि हाफ ईयरली 3,000 सैलरी दी जाएगी, तो 6,000 रुपये लिखा और दैट्स इट, कैलकुलेशन किया। तो बड़ा ही आसान है आपका पी एंड एल अप्रोप्रिएशन, तो बस कॉन्सेप्ट थोड़े से ज्यादा है। तो आज लास्ट कॉन्सेप्ट है पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का। इसके बाद तो हम करेंगे सीधा गारंटी, फिर पास्ट एडजस्टमेंट, मैनेजर बिकम पार्टनर। तीन कॉन्सेप्ट रह जाएगा, चैप्टर खत्म, और कुछ नहीं रहता फिर चैप्टर में। इसके बाद हम सेकंड चैप्टर गुडविल स्टार्ट करेंगे, है ना? तो मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो आप मुझे बताइए कि सर इस फिक्स अमाउंट में, जब फिक्स अमाउंट का मतलब समझ में आए कि हम इसको 2,000 कमीशन देंगे, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो इसकी चर्चा ही नहीं करनी ज्यादा हमें। बी को जब हम टर्नओवर पे देंगे, तो जितना टर्नओवर पे सिंपल निकाल के पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में, हम पार्टनर की कमीशन की बात कर रहे हैं, मैनेजर की नहीं। तो मैनेजर वाला तो हमारा इस प्रॉफिट में से माइनस होता था, है ना? हम पार्टनर की बात कर रहे हैं। अब नेट प्रॉफिट पे जब कमीशन दिया जाएगा, तो देखना ध्यान से, मान लो ये पार्टनर है और कैसे पता चले कि नेट प्रॉफिट पे, जब सिंपल बोले कि आई विल बी चार्ज 10% कमीशन, जब मान लो कि राम जो हमारा पार्टनर है और ये कहता है कि मैं 10% कमीशन चार्ज करूंगा, आपको ये नहीं बताया कि टर्नओवर पे है भाई, किस पे है नहीं बताया, तो हमारा अजम्पशन होता है कि ये जो 10% कमीशन चार्ज करेगा वो करेगा नेट प्रॉफिट पे। अब क्वेश्चन रेज होता है, सर यहाँ पे तो दो तरीके के नेट प्रॉफिट है ना? दो तरीके के नेट प्रॉफिट है, एक तो यहाँ बाय साइड में पी एंड एल अप्रोप्रिएशन के भी नेट प्रॉफिट निकलता है, और जब फाइनल निकालते हैं ये भी एक तरीके से नेट प्रॉफिट है। तो इस वाले नेट प्रॉफिट पे 10% की डिमांड किया जा रहा है, या फिर इस वाले नेट प्रॉफिट पे? तो आंसर है कि इस वाले पे हमेशा डिमांड करेगा, ठीक है? इस वाले पे कभी भी नहीं करेगा वो, बेसिकली। तो जब कभी पार्टनर को कमीशन परसेंटेज के टर्म्स में दिया जाए और किस पे दिया जा रहा है ये ना बताए, तो हमें किस पे अजम्पशन लेना है? हमें ऑलवेज अजम्पशन लेना है किस पे? नेट प्रॉफिट पे, बिल्कुल ठीक। इसके बाद क्या करें? नेट प्रॉफिट पे हमारा कमीशन है, राम का कमीशन नेट प्रॉफिट पे है। अब हुआ क्या, कमीशन जो मांग रहा है राम, वो किस तरीके से मांग रहा है, मतलब डिमांड करने का तरीका क्या है? अब मान लेते हैं राम को दिया जाता है सैलरी, सैलरी 5,000। राम को दिया जाता है हमारा, मान लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पहले हम सैलरी की बात करते हैं, सैलरी 5,000, और बिजनेस का नेट प्रॉफिट जो है वो है मान लेते हैं 50,000। और राम ने बोला कि मुझे 10% कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट पे,
तो यहां पे ऐसे सिचुएशन में राम ने कोई आपको उलझाने की कोशिश नहीं करी, बड़ा ही सिंपल शब्द में बोल दिया 10% कमीशन चाहिए। तो ये इस वाले केस के अंदर मैं यहां लिख देता हूं केस नंबर 1, केस नंबर 1 के अंदर आपका जो कमीशन होगा, कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन इज इक्वल टू, आप 50,000 पे सीधा 10% निकालोगे, यानी 5,000 आ गया, है ना, कोई झंझट ही नहीं है। मैं तो कह ही रहा हूं कि कोई झंझट नहीं है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, तो सिंपल। लेकिन केस नंबर 2 देखिए, ध्यान से देखिएगा, आप बिल्कुल इसे कंफ्यूज मत लेना। मैनेजर वाले कमीशन को हटा ही दो, वो आफ्टर चार्ज बिफोर चार्ज क्या है उस कॉन्सेप्ट को भी बाद में देखेंगे, मैंने मिटा दिया अभी, देखा नहीं आपने। 10% कमीशन नेट प्रॉफिट, अब मैंने बोला आफ्टर चार्ज सैलरी, ठीक है ना, आफ्टर चार्ज सैलरी, सैलरी माइनस करने के बाद। अब देखो केस नंबर 2 का कमीशन कैसे निकालेंगे, कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट क्या है हमारा 50,000, इसमें से सैलरी माइनस कर दो, क्योंकि बोलता है इसमें से वो उस वाले प्रॉफिट पे मैं लूंगा जिसमें से सैलरी क्या हो हमारा माइनस हो, मैं उस वाले प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करूंगा जिसमें से क्या माइनस हो सैलरी। आप आफ्टर को ध्यान देना है, लेकिन आफ्टर किस संदर्भ में, आफ्टर किस चीज के लिए बोला जा रहा है ये देखना है। तो भाई मैंने ठीक इसके ऊपर इसको 10% दे दिया जाएगा, है कि नहीं, बड़ा ही सिंपल। तो इसका आंसर आ जाएगा 4,500, ठीक है। अब मुझे बताइए, मैंने लिखा 10% कमीशन और नेट प्रॉफिट बिफोर चार्ज चार्ज सैलरी, अब जवाब दीजिए, क्या इसके लिए अलग से केस करने की कोई आवश्यकता है, या हमने ये केस कर रखा है। मैनेजर कहता है मुझे 10% कमीशन चाहिए, नेट प्रॉफिट तो लिख दिया, नहीं बोल रहे किस पे, तो नेट प्रॉफिट पे ही है, लेकिन बिफोर चार्ज सैलरी, चार्ज का मतलब होता है यहाँ पे के माइनस। तो ऐसे प्रॉफिट पे मुझे इस कमीशन दिया जाए जिसमें से सैलरी जो है वो माइनस ना हुआ हुआ होना चाहिए। तो जवाब आंसर है कि सर वो प्रॉफिट जिसमें से सैलरी माइनस नहीं है वो तो 50,000 है, इट मींस हमारा आंसर यही रहेगा इसका, समझ रहे हैं ना बात को आप, तो आंसर क्या रहेगा हमारा, यही रहेगा। चलिए सर, अगर दो पार्टनर हुए तो क्या होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, देखते हैं। अब मैं यहीं पे केसेस कर रहा हूं ना, आपको लिखते जाना है पॉज करके। मान लेते हैं एक हमारा मोहन पार्टनर भी है, मोहन सैलरी 3,000, बड़े ही आसान से जवाब देना है आपने। ये कहता है 10% कमीशन आफ्टर सैलरी ऑफ ऑल पार्टनर, तो इसका मतलब क्या है, मुझे उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, उस प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें से सारे पार्टनर का सैलरी माइनस हो चुका हो। तो जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, क्या आएगा, कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन इज इक्वल टू, देखिए 50,000 है ना, सारे पार्टनर का सैलरी, तो आप देखिए पार्टनर कितने हैं, तो हमारा पार्टनर एक ये है और एक ये है, दो, राम की सैलरी और ये, तो इन दोनों का सैलरी माइनस किया जाए। यहाँ पे जो आफ्टर का मतलब होता है माइनस या चार्ज का मतलब माइनस, तो माइनस किया जाए, तो कितना माइनस किया जाए बताइए, 8,000। तो कमीशन क्या निकल के आएगा सोचिए, अब 8 कैसे आया, 5 और 3 दोनों को जोड़ दिया ना, दोनों सबका सैलरी माइनस करो, 5 और 3 8 इंटू में 10%, देन हेंस कमीशन क्या आएगा, 4,200 रुपीज। समझ रहे हैं ना कितना आसान कॉन्सेप्ट है, मैं तो बहुत ही सोचता हूँ क्या बस एक बार बच्चों को समझ में आ जाए तब तो वो दूसरों को भी समझा देंगे, बिल्कुल ये आ गया। चलिए मैं यहाँ पे मिटाता जा रहा हूँ, तो जैसे ही मैं यहाँ पे मिटाऊँ आपको लिख लेना जैसे कि इसका आंसर क्या है ये है, आप कंफ्यूज बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। चलिए अब मैं एक बार फिर से यहाँ चेंज करता हूँ थोड़ा, 10% कमीशन आफ्टर चार्ज
आफ्टर चार्ज मोहन सैलरी। अब मुझे जवाब दीजिए, मोहन सैलरी, आफ्टर चार्ज मोहन सैलरी, बताइए क्या आंसर आएगा। मैं आपसे सुनना चाहता हूं, फटाफट कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए फटाफट से किसका आंसर क्या होगा। तो आफ्टर चार्ज मोहन सैलरी आंसर, मुझे आंसर चाहिए केस नंबर 4, आंसर चाहिए कमीशन इज इक्वल टू, कमीशन इज इक्वल टू, अब देखिए प्रॉफिट में से क्या माइनस होना चाहिए पहले, मोहन का सैलरी। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है बड़ा ही सिंपल है, 50,000 है। इस 50,000 में से पहले क्या माइनस होना चाहिए, मोहन का सैलरी, यानी मान लेते हैं 3,000 मान लेते हैं क्या है, और इसके ऊपर अब कमीशन दिया जाएगा, जो कमीशन होगा हमारा 10%, 10/100, और रिजल्ट इज 4700। समझ रहे ना बात को। तो देखो आफ्टर का मतलब पहले हम थोड़ा सा रट्टा मारते थे, आफ्टर मतलब 10/110, 110, तो ऐसा नहीं है। तो अब हमें समझना पड़ेगा किस चीज को आफ्टर बोलता है, हम उस पर भी आएंगे, 10/110 भी होगा, लेकिन पहले ये बेसिक चीजों को समझो, ठीक है। तो कितने केस कर लिए, चार। चलिए मान लीजिए मैं यहां इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दे देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहां पे मैं राम के लिए भी दे दूंगा और मोहन के लिए भी, मान लेते हैं 3,000, 3,000 क्यों, अलग अमाउंट देते हैं ना, और 2,000, ठीक है। मैंने बोला हमें कमीशन चाहिए नेट प्रॉफिट पे आफ्टर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो ये नेट प्रॉफिट पे कमीशन चार्ज करना चाहता है किस पे, सैलरी पे, और चार्ज करना चाहता है ये साथ के साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, आफ्टर चार्ज यानी माइनस करके। तो केस नंबर 4 का जवाब, केस नंबर 4 सॉरी 5 का जवाब जल्दी जल्दी देना है आपने, आप कमेंट में लिखिए केस नंबर 4 का जवाब, 5 का जवाब मैं सुनना चाहता हूं। हाँ जी बच्चे, 5 का जवाब, कुछ बच्चे डाउट पूछ रहे हैं कि सर आफ्टर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका माइनस करें और सैलरी किसका माइनस करें। देखो सिंपल सी बात है बच्चे, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी किसका माइनस करना है नहीं दे रखा, तो हम यहां पे मानेंगे ऑल पार्टनर का, है ना, समझे बात को आप, ऑल पार्टनर को। तो हमें क्वेश्चन के भावनाओं को भी समझना है कि क्या कहना चाहता है, तो ऑल पार्टनर का, तो ऑल पार्टनर की अगर बात करें केस नंबर 5 की कमीशन की, तो कमीशन क्या होगा हमारा इज इक्वल टू 50,000, और इसमें से सारे पार्टनर्स का पहले सैलरी, तो एक ये सैलरी और एक ये सैलरी, तो 8,000 सैलरी, और क्या माइनस करूं बताओ, सारे पार्टनर का सर कमीशन भी कर दो, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी कर दो, तो राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मोहन, तो 3,000 और माइनस करते हैं, टोटल 11,000 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 39, और 10/100 किसका, 39 का 10/100, तो 3,900 आंसर होगा, ठीक है। अगर मैं यहां पे लिख दूं, ध्यान से सुनिएगा आप, केस नंबर 5 यहां समझ में आए ना आपको। अगला जवाब आपसे चाहता हूं, यहां आफ्टर की जगह बिफोर लिख दूं, कहता है कि मुझे नेट प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, लेकिन उसमें से बिफोर चार्ज माइनस नहीं हुआ हो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी, तो बताइए इसमें से वो प्रॉफिट कौन सा है जिसमें ना ही इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हुआ ना ही सैलरी, तो जवाब है सिर्फ सर 50,000 है। तो इसका आंसर क्या होगा, इस केस का आंसर बताइए बिफोर वाले का। तो मैं केस नंबर यहाँ पे, ओहो स्पेस नहीं बचा, चलो यहां लिखते हैं केस नंबर 6। तो जवाब है सर, ये तो बिल्कुल केस नंबर 1 के तरीके से हो जाएगा, तो आंसर है केस नंबर 1, है ना।
क्योंकि इस सिर्फ 50,000 पे ही 10% निकाल देंगे, जो कि आएगा हमारा 5,000। आ रही है आपको बात समझ में? हाँ जी सर, बिल्कुल आ रही है। और केसेस करें सर, और भी केसेस करके बताओ। ठीक है, यहां तक समझ में आए ना सैलरी? चलो और आपको घुमाते हैं, थोड़ा कंफ्यूज करते हैं, देखते हैं कितने ध्यान से देख रहे हो। आफ्टर, मोहन, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब बताइए, आफ्टर चार्ज, मोहन, सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब समस्या ये आ गया सर, मोहन की सैलरी तो समझ में आ गया, लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसकी है? तो यहाँ पे हम अजम्पशन लेंगे, नोट लेंगे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन का ही होगा, क्योंकि सेंटेंस किसकी बात कर रहा है? सिर्फ मोहन की बात कर रहा है। मैं ये भी लिख सकता था एंड मोहन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो अब केस नंबर 7 का जवाब दीजिए मुझे, केस नंबर 7 का जवाब दीजिए, बताइए फटाफट, कमेंट में लिखिए क्या होगा बताइए। आफ्टर चार्ज मोहन सैलरी, तो आफ्टर चार्ज मोहन सैलरी में क्या होने वाला है? इसके अंदर आफ्टर चार्ज मोहन सैलरी में देखिए, सिर्फ मोहन का सैलरी माइनस करा जाएगा प्रॉफिट में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वो भी कौन से का, राम का या मोहन का? सिर्फ मोहन का। तो जवाब आएगा सर, कमीशन जो होगा यहाँ पे, कमीशन इज इक्वल टू, वो आएगा 50,000 में से माइनस करिए मोहन का सैलरी, तो मोहन का सैलरी 3,000, और सर इसमें से माइनस कर दीजिए मोहन का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सर मोहन का माइनस कर दिया, ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इसका निकालिए आप 10% सिंपली। तो आंसर इज क्या आया हमारे पास रिजल्ट? 5,045। तो 4,500 रुपये हमारा आ गया आंसर। और इस 4,500 को क्या करना है, क्यों सीख रहे हैं? क्योंकि हमें पी एंड एल अप्रोप्रिएशन में पार्टनर का कमीशन तो दिखाना है, तो टू साइड में लिख देंगे, कैलकुलेशन करके बस लिखना ही तो है। केस नंबर 7, ठीक है, चलिए। आप केस नंबर 7 तक नोट करिए, इसके बाद मैं अगले केसेस पे लेके चलता हूँ, ठीक है? आप आराम से पॉज करके, मुझे जवाब चाहिए। अब हर क्वेश्चन को मैं थोड़ा घुमा घुमा के पूछूंगा, तो मुझे जवाब देना है। मैं इसे इरेज कर दूं, आप पॉज करके वीडियो को आराम से पहले नोट करिएगा, देन आगे प्ले करिएगा, ठीक है ना? मैं इसे इरेज कर देता हूं। चलिए जी, इसे इरेज करते हैं। कुछ बच्चे परेशान हो रहे हैं, तो मैं एक चीज और कंफर्म कर दूं, हमारी क्लासेस जो है वो जैसे वीक में 3 डेज होता है, तो मैं वही फील कराना चाहता हूँ कि वीक में 3 डेज है, ये नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी करा के कुछ भगा रहा हूँ मैं कोर्स को। नहीं, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, तसल्ली से यार, भागने से कोई फायदा नहीं, हमें लर्निंग करना है यहाँ पे, ना कि हमें रट्टाफिकेशन करना है, ठीक है? अब देखिए, 7 हो गया था ना, मैं यहाँ केस नंबर 8, 8 करूंगा, ठीक है? मैंने बोला आफ्टर चार्ज राम सैलरी एंड मोहन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब जवाब दीजिए मुझे, आफ्टर चार्ज राम सैलरी एंड मोहन से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फटाफट से जवाब आना चाहिए केस नंबर 8 का। कहता है मुझे उस नेट प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए जिसमें से मोहन का तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस हो जाए, और राम का मेरा उसमें क्या माइनस हो जाए, सैलरी माइनस हो जाए। तो कमीशन इज इक्वल टू, देखो प्रॉफिट तो 50 ही है, तो सबसे पहले बोला गया है कि भाई इसके चार्ज मतलब माइनस कर दो राम की सैलरी, तो राम की सैलरी 5,000 माइनस करिए, ये राम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मोहन वाला माइनस करिए, राम वाला नहीं लेना आपने, मोहन वाला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेना जो कि 2,000 है, इसका 10%। तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए,
47 माइनस होगा तो 43,000, उसका 10% 4,300। समझ पा रहे हैं ना आप बात को? तो कुछ बच्चों को परसेंटेज में थोड़ी सी समस्या हो सकती है, तो वो पूरा सॉल्व करके लिख के और वेरीफाई करें, ठीक है? चलिए केस नंबर 9। मैं केस बना रहा हूं, वैसे कोई केस वेस है नहीं, बस समझाने के लिए कि आपको बड़े अच्छे से, बुक में दो तीन क्वेश्चन है लेकिन हमें अच्छे से समझना है। चलिए 10% कमीशन आफ्टर चार्ज सैलरी बट बिफोर चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जवाब दीजिए। अब यहां पे मैंने ये नहीं बताया कि राम का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है या सैलरी है या मोहन का, नाम नहीं स्पेसिफाई किया, तो अब किसका होगा जब नाम नहीं पता, तो किसका होगा बताइए। अभी सिखाए ना ऑल का, और ये किसका होगा ऑल का। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है कि जो राम को कमीशन दिया जाएगा उस नेट प्रॉफिट पे दिया जाएगा जिसमें से क्या हो, माइनस हो जाए सैलरी, लेकिन सैलरी किसका, राम का और मोहन का भी, लेकिन कमीशन माइनस ना हो। जल्दी जल्दी जवाब दीजिए केस नंबर 9 का। केस नंबर 9, केस नंबर 9। तो क्या कहना चाहता है ये कि सर 50,000 में से आप माइनस कर दीजिए। क्या माइनस करना है? आफ्टर सैलरी। सैलरी किसका? ऑल, यानी दो, तीन पार्टनर होंगे तो तीनों के, तो दोनों के, तो 5 और 3 8,000। लेकिन बिफोर चार्ज का मतलब इसमें से माइनस मत करिए। क्या माइनस मत करिए सर? माइनस मत करिए आप। क्या माइनस मत करिए सर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ठीक है जी, माइनस नहीं करने को बोला गया, तो यहीं पे आंसर आ गया हमारा। देखिए कितना आसान है। तो ये आ गया 4,200, 42,000 आएगा, उस पे 10% निकालोगे, है ना? समझ में आ रही बात? तो यहां देखो, हमने आफ्टर और बिफोर भी देखा, लेकिन कहीं पे भी क्या 10/110 या 10/100 आफ्टर आए, तो ऐसा कॉन्सेप्ट अप्लाई किया क्या? नहीं किया। अब ध्यान से सुनना, 10/110 कब किया जाता है, उस केस के ऊपर चलते हैं, ठीक है? अब मैं सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को भी मिटा देते हैं आपके लिए, ठीक है, दिक्कत ना हो ताकि। 10% कमीशन आफ्टर चार्ज सैलरी एंड कमीशन। अब देखिए, जब 10/110 कब करना है, इस बात को ध्यान से सुनिएगा। अब कमीशन लेने वाला पर्सन कौन है बताइए? कमीशन कौन एलिजिबल है लेने के लिए? राम है। और राम बोलता है मैं 10% लूंगा, और राम बोलता है उस प्रॉफिट पे लूंगा जिसमें से कमीशन माइनस हो। यानी राम का कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट में से आप क्या माइनस करो, जो मैं बोल रहा हूं वो माइनस करो, यानी सैलरी माइनस करो, और क्या माइनस करो, कमीशन माइनस करो। यानी नेट प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करो और माइनस करो कमीशन को। तो बड़ी अजीब सी बात कहता है कि आफ्टर चार्ज सैलरी एंड कमीशन। तो देखो, ये 10% हम निकालना क्या चाहते हैं? नेट प्रॉफिट में से सैलरी और कमीशन माइनस करके कमीशन ही तो निकालेंगे, लेकिन कमीशन तो हमें पता है ही नहीं, तो हम इसको माइनस नहीं कर सकते। इट मींस हम माइनस करने के जो कैपेबल हैं वो सिर्फ और सिर्फ सैलरी ही माइनस कर सकते हैं, क्योंकि बस हमें इसी की इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये तो माइनस नहीं कर सकते। इसका मतलब जो राम चाहता है कि कमीशन माइनस होने के बाद मिले, स्टिल इसमें जुड़ा हुआ है, अभी भी इसमें से माइनस नहीं कर पाए, तो मतलब जुड़ा हुआ है। कितना पार्ट जुड़ा हुआ है? कमीशन का 10% जुड़ा हुआ है। बोलिए सहमत है ना? क्योंकि हम कमीशन माइनस ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कमीशन एग्जैक्ट में पता नहीं है, तो कमीशन जुड़ा हुआ है, तो यानी इज इक्वल टू, इस नेट प्रॉफिट को अगर बात करो तो नेट प्रॉफिट 110% के बराबर हो जाता है। तो इसलिए हम डिवाइड में 110 करते हैं, इक्वल करने के लिए। कभी भी हम करते हैं ना किसी चीज के, अगर अमाउंट के इक्वल में 2/3, तो 2/3 का मतलब 3 के इक्वल वो अमाउंट हमारा मान के चल रहे हैं, ठीक है ना, समीकरण जब सॉल्व करते हैं। तो यहां पे आंसर बच्चे कैसे निकालेंगे केस नंबर 9 के बाद? केस नंबर 10 में आप सोचिए, केस नंबर 10 में अब लगेगा हमारा
50,000 और सैलरी तो माइनस करने को बोला ही है, तो 5 और 3 8,000, और इसके बाद हमें करना है 10/110। अब मुझे बताइए 10/110 क्यों हुआ, क्योंकि इसमें से कमीशन माइनस नहीं हुआ है, कमीशन जुड़ा हुआ है, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि 10/110। अगर मैं बोलता बिफोर चार्जेस तो सिंपल ही होता। अब इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब देखिए बड़ा ही आसान जवाब है, और इसका जवाब होने वाला है हमारा 50,000 - 8,000 × 10/110। इसका जवाब, ओहो 50,000, 5,000 कर दिया था। ये आ गया 3818, ठीक है ना, आप भी सॉल्व करिएगा 38, और मोबाइल फोन पे नहीं करना, आपने अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। बताइए कोई दिक्कत सर, तीन चार और एग्जाम्पल कराओ ना। बिल्कुल कराते हैं बच्चे, आप चिंता क्यों करते हो। केस नंबर 11, आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस। अब ऑल एक्सपेंस क्या क्या होगा बिजनेस के लिए, बिजनेस के लिए अगर ऑल एक्सपेंस की बात करें तो सैलरी भी एक्सपेंस है और कमीशन भी एक्सपेंस है कि नहीं, जो कमीशन देंगे पार्टनर को वो भी तो खर्चा है। तो अगेन ये कहता है मुझे 10% कमीशन चाहिए जिसमें से सारे खर्चे माइनस हो। तो ठीक है भाई, नेट प्रॉफिट में सारे खर्चे माइनस कर देंगे। तो कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे, यानी एक तो सैलरी ही खर्चा है और दूसरा कमीशन है। तो अगेन कॉन्ट्राडिक्ट हो गया कि कमीशन ही तो निकालने के लिए ये इसने बोला है, तो कमीशन तो माइनस नहीं कर सकते, तो इसका मतलब इसमें कमीशन हमारा प्लस होगा 10%। तो आंसर कैसे निकालेंगे, आंसर हमारा होगा फिर से अगेन 50,000 में से सिर्फ हमें माइनस कर पाएंगे क्या, सैलरी, और 8,000 हो गया। और क्या करेंगे बताइए, 10/110। आप समझिए 10/110 क्यों, क्योंकि इस प्रॉफिट में अभी भी कमीशन माइनस नहीं हुआ, तो इसलिए इसमें कमीशन जुड़ा हुआ है, तो 110% के ये बराबर होता है, परसेंटेज इक्वल करने के लिए। तो 10, तो आंसर पहले वाला ही आ गया हमारा 10 वाला, 3818, तो आंसर वही आ गया हमारा 3818, ठीक है, 3818 और 18 हमारा आंसर आ गया। चलिए आगे चलते हैं, 3818 आंसर आ गया केस नंबर 10 के बाद। केस नंबर 10 के बाद केस नंबर 11 देखेंगे, है ना, नहीं 11 भी हो गया, 12 भी, 12 करेंगे, क्लियर। वो थोड़ा सा एक फोन आ गया तो उधर मैं देखने लग गया, चिंता मत करो, ठीक है। मैंने बोला 10% कमीशन आफ्टर चार्ज सच कमीशन, सच कमीशन मतलब मुझे 10% कमीशन लेना है, लेकिन कमीशन माइनस कर उस प्रॉफिट पे जिसमें से कमीशन माइनस हो, यानी सच कमीशन का मतलब वो कमीशन माइनस हो। तो केस नंबर अगर मैं 11 लिखूं, तो केस नंबर 11 क्या कहता है कि भाई हमें नेट प्रॉफिट में से पहले माइनस करिए कमीशन, सैलरी वैलरी की बात नहीं कर रहा, ऑल एक्सपेंस हो तो तब आता वो, पहले माइनस करिए कमीशन, फिर आप करिए 10/110, 10/110, ठीक है, 10/110। यानी आंसर क्या होगा इसका सर, नेट प्रॉफिट क्या है 50, तो 50,000 में कमीशन तो माइनस हो नहीं सकता, इसका मतलब जुड़ा हुआ है, तो इसलिए तो 10/110 करा, तो सीधा आप 10/110 करेंगे। अब यहाँ कमीशन फाइंड करने के लिए, तो इसका आंसर जो केस नंबर 12 है, आप याद नहीं दिलाते, कमेंट में लिख दिया करो ना आप, ये आ गया 4545, आंसर 4545, करेक्ट, ठीक है। केस नंबर 13 भी करेंगे, अभी देखते जाओ, क्या समझ में आ रहा है यहां तक,
हाँ सर, यहाँ तक तो बिल्कुल परफेक्ट है। थोड़ा भी डाउट है कमेंट में लिखो, मैं उसी टाइम रिप्लाई करूंगा। आ रहा है यहाँ तक समझ में? अब इसे भी रेज कर दें क्योंकि मेरे पास स्पेस थोड़ा सा कम है। मैं बड़ा बड़ा भी लिख रहा हूँ आपके लिए ताकि आपको समझ में आए, और आप पॉज करके नोट करिए। चलिए फटाफट से। चलिए अगले केस पे चलते हैं। अगले केस पे चलते हैं। टिकटॉक 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 टिकटॉक। अगले केस पे चलते हैं। हाँ जी। अब डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम का 1,000 और मोहन का 2,000, ठीक है ना? ये लिख लिया मैंने, क्वेश्चन है ये। अब कहता है ये पहला पॉइंट। अब ध्यान से, मुझे आपसे जवाब चाहिए। मुझे आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस। अब मुझे बताइए आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस में क्या क्या होगा? सैलरी के एक्सपेंस है पार्टनर का, बिल्कुल। क्या मोहन की सैलरी? बिल्कुल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल? बिल्कुल। ये भी होगा? बिल्कुल, ये भी माइनस होना चाहिए। क्या खुद का कमीशन भी एक्सपेंस में है? बिल्कुल। यानी अब ये क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है अब कि मुझे तो कमीशन चाहिए। मैंने बोला कोई बात नहीं, देंगे, बताओ किस पे लोगे? तो बोला नेट प्रॉफिट में से सारे खर्चे माइनस करो। मैंने बोला ये लो सैलरी माइनस कर दिया, मैंने बोला ये लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दिया, बोला कमीशन भी माइनस करो। तो मैंने बोला सर ये नहीं कर सकता, तो यानी अब मुझे काम को करना पड़ेगा 10/110। समझ में आई बात आपको? कमीशन सैलरी, ठीक है ना? तो केस नंबर 12 के बाद केस नंबर 13। केस नंबर 13, तो कमीशन इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट 50,000, और क्या क्या बोला है? ऑल एक्सपेंस, तो सैलरी 5 और 3 8,000, और क्या माइनस करें? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 2 और 1 3,000, और कमीशन तो माइनस कर नहीं सकते इसलिए 10/110 है ना, 10/110। तो आंसर आएगा 39 10, ये आ गया 3545। आप भी कैलकुलेट करिएगा, मेरा कैलकुलेटर गलत हो सकता है। 453545। चलिए केस नंबर 14। सर कितने केस है? बस ये मजा तो आ रहा है आपको, तो केस का क्या चिंता करना, वो तो मैं लिख देता हूँ ताकि आपके रजिस्टर में एक मेंटेन रहे। चलिए अब देखिए, आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस, आफ्टर चार्ज पार्टनर बट बिफोर चार्ज कमीशन। एक बच्चे का डाउट था क्वेश्चन नंबर 15, काफी बच्चों का डाउट आया था क्वेश्चन नंबर 15, वो यहां से कॉन्सेप्ट दूर होगा, ठीक है ना? आफ्टर चार्ज पार्टनर सैलरी बट बिफोर चार्ज कमीशन। करें स्टार्ट इसको। क्या कहना चाहता है सर एक बार बताओ? ये कहता है कि भाई, इसको मिटा देते, कहता है भाई मुझे नेट प्रॉफिट पे कमीशन दो। मैंने बोला बिल्कुल दिया जाएगा, उसमें से पार्टनर का सैलरी माइनस करो। मैंने बोला चलो सैलरी माइनस कर दिया, लेकिन कमीशन माइनस नहीं करना। बोला अच्छा, तो ये कहना चाहता है इसी प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, यानी सिर्फ सैलरी ही माइनस करो, कमीशन का झंझट में मत करो। तो मैंने बोला अच्छा जी, फिर तो बहुत आसान हो गया, 10/100। तो समझ रहे हैं, जब ये अपनी कमीशन को, अपने कमीशन को माइनस नहीं करने की बात करेगा तो 10/100, और अपने कमीशन को ये माइनस करने की बात करेगा तो 10/110। तो यहां पे आफ्टर लगता है जब कमीशन को माइनस करने की बात करा जाए, ठीक है ना? अपने सेल्फ वाले को, दूसरे का तो कोई मतलब नहीं होता, अभी वो भी केस लेंगे हम। तो नेट प्रॉफिट सैलरी 10/110 होगा, तो किसका आंसर क्या आएगा? कमीशन इज इक्वल टू 50,000, और क्या कहा? सिर्फ और सिर्फ माइनस करो क्या?
सैलरी, पार्टनर का सैलरी, तो पार्टनर का सैलरी 5 और 3 8,000, और इसके ऊपर सिंपल 10/100, क्योंकि बिफोर कमीशन, अपनी कमीशन माइनस करने को नहीं कहा, तो ये आ गया 4,200, है ना? समझ में आई बात आपको? चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। कहता है ये, आप मुझे जवाब देना अब, आफ्टर चार्ज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और कुछ बोला ही नहीं, आफ्टर चार्ज सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ऐसे बिफोर वाला केस होता है, हमेशा ध्यान रखना, मैं लिख देता हूं, बट बिफोर चार्ज कमीशन, ठीक है ना? अब ये पार्टनर बोलता है कि मुझे नेट प्रॉफिट पे कमीशन चाहिए, लेकिन सैलरी को माइनस करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को माइनस करो, लेकिन कमीशन को माइनस मत करो। तो यानी बस ये यहाँ पे चाहता है कि आईओसी माइनस हो जाए, कमीशन की बात ही नहीं कर रहा, तो 10/100, केस नंबर 15, तो कमीशन इज इक्वल टू 15, कमीशन इज इक्वल टू 50,000, बोलता है सैलरी तो 5 और 3 8, बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो 2 और 1 3, इसका कितने परसेंट, सिंपल 10%, है ना? तो ये आ जाएगा 3,900, कैलकुलेट कर लेना। समझ में आ रहा है यहां तक? हाँ जी सर। केस 15 नोट करते जाना है आपने, पॉज करके आराम से नोट करना, ठीक है? चलो एक और केस करते हैं। अब मैं यहां पे और केस करते हैं, और आप जब तक जवाब नहीं दोगे ना कमेंट में, जब तक मैं यहां पे खत्म नहीं करूंगा। मैंने कहा 10% आफ्टर चार्ज राम सैलरी एंड मोहन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट बिफोर कमीशन। आपको 1 मिनट का समय दिया जाता है इसका आंसर कमेंट में लिखने के लिए। लिखिए फटाफट इसका आंसर, इसका आंसर लिखिए आप जल्दी जल्दी। कहता है कि उसको कमीशन जो दिया जाएगा उसमें से राम वाली सैलरी माइनस करना है सिर्फ, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ मोहन वाला, लेकिन कमीशन खुद वाला माइनस नहीं करना। चलिए चेक करते हैं किस किस का आंसर ठीक आया है। यानी इसका कहने का मतलब है नेट प्रॉफिट में से आप सैलरी माइनस कर दो, आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दो, लेकिन इसमें से कमीशन का कोई लोचा नहीं है, कमीशन का कुछ नहीं करना, तो 10/100 आएगा, ठीक है ना? अब लेकिन सैलरी किसकी? सैलरी राम की, क्योंकि यहां स्पेशली मेंशन है, और कमीशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका? वो मोहन का। तो केस नंबर 15 के बाद केस नंबर 16, तो यहां पे आएगा हमारा कमीशन इज इक्वल टू 50,000। किसकी सैलरी माइनस करनी है? सिर्फ और सिर्फ माइनस करनी है राम की 5,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसका माइनस करना है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ मोहन का माइनस करना है। सही से देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपका करना है राम का या मोहन? मोहन का, तो 2,000, तो इनटू 10/100 आंसर 7,000 माइनस 47,000, और उसका 10% 4,700। समझ में आया केस नंबर 16?
हाँ सर आ गया। चलो केस नंबर 17। जिस जिसका आंसर सही है भाई उनके लिए क्लैपिंग करो। अब यहां पे मोहन भी आ गया, अब यहां पे मोहन भी आ गया। मोहन बोलता है कि भाई तुम बड़ी देर से कमीशन ले रहे हो, हमें भी चाहिए 10% कमीशन। अब दो दो पार्टनर कमीशन है, ये 10 के बजाय 5 भी मांग सकता है, दोनों इक्वल नहीं है। मान लेते हैं कि इसका कमीशन बोल देता हूं मैं, फिक्स बता देता हूं मैं, 3,000 रुपये। ठीक है, अब लिखा मैंने आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस। अब बताइए यानी नेट प्रॉफिट में से क्या कहना चाहता है कि सर नेट प्रॉफिट में से आप सैलरी भी अगर खर्चा है माइनस करिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी खर्चा है माइनस करिए, और कमीशन भी। लेकिन कमीशन में एक समस्या है, कमीशन सबका तो माइनस नहीं कर सकते क्योंकि हमें सिर्फ एक ही पर्सन का कमीशन पता है, किसका, मोहन का। तो मोहन का ही माइनस करेंगे। और ये अपनी कमीशन को भी माइनस करने की बात कर रहा है क्या? बिल्कुल, ऑल एक्सपेंस में इसका भी कमीशन इंक्लूडेड है, तो वो माइनस नहीं हुआ। इसका मतलब इसमें से एक चीज माइनस नहीं हुआ, तो 10 बाई क्या माइनस नहीं हुआ, 110। समझा बात आपने? केस नंबर 17। बस 20 केस करा के छोड़ दूंगा, ठीक है। कमीशन इज इक्वल टू 50,000 माइनस सैलरी, सैलरी ऑल एक्सपेंस में दोनों का होगा, ठीक है ना? तो 5,000 और 3, 8,000 माइनस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दोनों का 3,000 माइनस इसका कमीशन तो पता है, तो दैट्स वाई 3,000 रुपीज। और इसका करेंगे 10 बाय 110, ठीक है, 10 बाय 110। तो आंसर क्या आएगा हमारा, 50,000 माइनस 3,000 माइनस 3,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 110, ये आ गया 4,000, 4,000 आंसर। ठीक है, चलिए नोट करिए अब इसको भी आप। अब केस नंबर 17 करेंगे, 17 के बाद 18, 19, 20, तीन केस रह गए आपको, आंसर खत्म हो जाएगा ये वाला कॉन्सेप्ट भी। तो जल्दी जल्दी से इसको नोट करिए आप, फिर बुक के क्वेश्चन भी देखने हैं हमें, है ना? नोट करिए, एक केस और करते हैं यहीं पे क्या? हाँ सर कर दो, केस नंबर 18। ठीक है, अब मैंने लिखा आफ्टर चार्ज पार्टनर्स, पार्टनर्स बोला मैंने, पार्टनर्स सैलरी एंड मोहन कमीशन, आप बताइए इसका जवाब क्या कहना चाहता है। कहना चाहता है कि भाई आफ्टर चार्ज पार्टनर का सैलरी और मोहन का कमीशन, पार्टनर का सैलरी माइनस करने के बाद यानी दोनों पार्टनर का और मोहन का भी कमीशन माइनस करने के बाद किसकी कमीशन निकाल रहे हैं, याद है या नहीं है? मोहन का दे रखा है, राम का ही तो निकाल रहे हैं। तो आप बताइए राम का कैसे निकाला जाएगा। देखिए केस नंबर 18, कमीशन इज इक्वल टू 50,000 प्रॉफिट है, सैलरी माइनस करिए जो कि क्या हो गया 5 और 3 8,000 है ना। सैलरी माइनस करने के बाद बोलता है कि कमीशन भी माइनस करो, किसका कमीशन, इसका, जो कि कितना है 3,000, और इसका निकालो आप 10 बटे में 100, क्योंकि खुद की कमीशन की बात नहीं कर रहा वो राम। तो आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर आएगा हमारा 11 माइनस कर देंगे 8 और 3 11, 50,000 में से तो 3,900। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 केस नंबर, दो केस और करेंगे मस्त मस्त सा। चलिए देखो आपको समझ में भी आ गया होगा, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों के डाउट हो सकते हैं, तो आप और अच्छे से समझ लो। बुक में इतने सारे एग्जाम्पल तो है नहीं जितने के मैंने ले लिए, फिर आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगी बिल्कुल भी, है ना? तो ये लो 16 मिटा दिया,
17 मिटा दिया, ठीक है 18 तक हो गया था, अब 19 करेंगे, इसे मिटा देते हैं। 19वें केस में अब ये बोलता है यार तू तो बड़ा कैलकुलेशन कर रहा है, मैं भी अब अपना कमीशन रखूंगा, मैं 5% रखूंगा, ठीक है। तो कहता है ये कमीशन कैसे लेगा, लेकिन ये कमी अब ये भी अपने कमीशन के लिए कंडीशन लगाएगा। सोचो अब मोहन भी तो बोलेगा मुझे कमीशन चाहिए आफ्टर चार्ज सैलरी बिफोर चार्ज कमीशन, इस तरीके से। तो अब दो नोट को पढ़ना पड़ेगा, इसके भी और इसके भी, और दोनों को ध्यान से पढ़ना पड़ेगा। पॉइंट नंबर वन, ये राम के लिए है, आफ्टर चार्ज ऑल एक्सपेंस, ठीक है। मोहन के लिए आफ्टर चार्ज सैलरी, ठीक है आफ्टर चार्ज सैलरी। अब क्या कहना चाहता है यहां पे, जब इसने ऑल एक्सपेंस कह दिया ना, तो इसके कमीशन में इसका जो कमीशन निकलेगा इसका भी कमीशन माइनस होना चाहिए खर्चे के तौर पे, और इसका भी। तो इसका कमीशन निकालने के लिए सिर्फ चार्ज सैलरी होना चाहिए, तो इसका आसानी से कमीशन निकल सकता है। तो केस नंबर 19, पहले हम निकालेंगे कमीशन मोहन का। हमें ध्यान रखना है जिसका ऑल कमीशन आफ्टर बोले ना उसका बाद में निकालेंगे, जिसका बिफोर वाला हो उसका पहले निकालेंगे। तो देखो इसने क्या अपने कमीशन को माइनस करके कमीशन लेने की बात करी, नहीं करी। तो मोहन का कमीशन कैसे निकलेगा जी, 50,000, अभी समझ में आएगा। माइनस कर दीजिए सैलरी, पार्टनर का सैलरी दोनों का 8,000, इसके ऊपर 10% निकलेगा इसका सिंपल, जो कि रिजल्ट आ गया 4,200। अब निकालते हैं राम का, राम का कैसे निकालेंगे हम, 50,000 सारे खर्चे, तो सारे खर्चे में पहले ये आ गया, ठीक है। कुछ बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं तो इसको इंटरेस्ट मैं 4,000 कर देता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा सैलरी, और खर्चे में क्या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, बिल्कुल ये भी माइनस करो। क्या कमीशन माइनस है, बिल्कुल, अपना भी और इसका भी ऑल खर्चे में। तो इसका कमीशन जो यहां से निकाल लिया, आप समझ में आया हमारा, ये निकाल लिया, लेकिन अपना वाला तो नहीं निकाल सकते, तो इसका मतलब अब लगेगा इस पे 10/, है ना, अब लगेगा 10/110। दैट आंसर इज, आंसर 50,000 माइनस 8,000 माइनस 6,000 माइनस 4200 इंटू 10, ये आ गया 2,890। केस नंबर 19 समझ में आया। तो जब दोनों पार्टनर का कमीशन देता है तो हम बड़े ही आसानी से करते हैं कि जब दोनों पार्टनर का कमीशन दिया जाए तो हमें अलग अलग तरीके से निकालना होता है, और सबसे पहले जिसका ऑल चार्ज कमीशन है उसका तो नहीं निकालेंगे, पहले हम कमीशन निकालेंगे किसका, जिसका ऑल चार्ज नहीं है। चलिए अगले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। अब कर लिया नोट, अब देखते हैं हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 20 नंबर, 20 नंबर एग्जांपल है ना, केस नंबर 20। अब यहां पे मैं दोनों का लिख देता हूं, ठीक है। 10% कमीशन, ये राम का कमीशन है, मोहन 5% कमीशन, आफ्टर ऑल कमीशन। अब बताना आप मुझे कि 10% कमीशन राम का है और 5% कमीशन आर, तो सबसे पहले हमें राम का कमीशन निकालना चाहिए या मोहन का। तो ऐसे सिचुएशन में एक बात ध्यान रखना है, ऐसा पर्सन जो कि बोले सारा कमीशन माइनस करने के बाद मेरा प्रॉफिट पे कमीशन दो, उसका सबसे लास्ट में करेंगे,
और जो सिंपल कमीशन बोले उसका पहले करेंगे। तो ये मोहन जो है वो सब कुछ कमीशन, सिर्फ सारे कमीशन को माइनस करने के बाद बोल रहे हैं, तो इसको बाद में देंगे पहले राम को। तो राम का पहले हम निकालेंगे कमीशन, क्या आएगा 50,000 माइनस राम का कमीशन क्या होगा हमारा, सीधा इसने बोला है सिर्फ 10%, तो बिफोर सिंपल 10 कोई कुछ माइनस नहीं करना, तो राम का आ गया 5,000। अब निकालेंगे मोहन का, मोहन का तो सारे कमीशन माइनस करने के बाद ऑल, तो ऑल में कौन है, राम भी है और मोहन भी है ना, ऑल में राम और मोहन दोनों है, तो सबसे पहले राम का माइनस करते हैं हम, और फिर मोहन का तो कर नहीं सकते क्योंकि मोहन का तो निकलेगा नहीं। अब इस पे करेंगे 10/110, 5% है तो 5/105, समझ में आई बात आपको। तो इसका निकाल दिया, इसके बाद ये सिंपल, क्योंकि आप ध्यान से देखो अगर इक्वेशन बनाए तो क्या होगा, नेट प्रॉफिट माइनस राम का कमीशन माइनस मोहन का कमीशन, तो राम वाला कमीशन तो एलिजिबल है, मोहन वाला नहीं है, तो यानी जुड़ा हुआ है इसमें, तो इसलिए हमारा परसेंटेज क्या होगा 5/105, तो 45,000 ये आ गया, 2142, 2142, ठीक है 2142। तो हमने 20 केसेस कर लिए कुछ, और इससे हमें लगता है कि हमारा इंटरेस्ट ऑन जो सैलरी कमीशन था ये थोड़ा कंफ्यूज जो करेगा वो क्लियर हो जाएगा। अब कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी देखते हैं, इसको नोट करना आराम से आप पॉज करके। एक और कॉन्सेप्ट देख लेते हैं, देखना हमेशा याद रखना, जैसे कि मान लो राम है और इसका बिजनेस है, तो राम अगर कुछ चीजें अपने घर से ला के लगा दे और बिजनेस उसके बदले में राम को जब कुछ दे, तो वो खर्चा राम का नहीं होगा, वो खर्चा बिजनेस का होगा। जैसे कि सपोज करो राम ने अपना घर दे दिया रेंट पे बिजनेस को, अपना यानी पार्टनरशिप फर्म को, राम क्या करता है, जो हमारा एबी फर्म है इसका रेंट जाता है, तो ये रेंट जो होगा ना वो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं है, ये पी एंड एल का पार्ट है। सेम राम ने जब लोन दिया तो बताओ, तो लोन पे जो इंटरेस्ट होगा भले ही राम को मिलेगा लेकिन ये पार्ट होगा हमारा पी एंड एल का, इस बात का आपको ध्यान रखना है। यानी अगर मान लो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन बनाते हो और यहाँ नेट प्रॉफिट लिखते हो, तो पहले आप रेंट माइनस करना है आपने, और आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लोन भी माइनस करोगे, कैपिटल गलती से लिख दिया, लोन भी माइनस करोगे, उसके बाद आपका करेक्ट प्रॉफिट आएगा। और अगर कोई पार्टनर बोलता है मुझे 10% कमीशन चाहिए, तो इस वाले प्रॉफिट पे कमीशन देंगे ना कि इस वाले पे, इस बात का ध्यान रखना है, उसको माइनस करने के बाद जो आएगा उस पे कमीशन दिया जाएगा, ठीक है। बाकी हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होगा हमें। चलिए आप देखिएगा साइड में आपके क्वेश्चन आएगा, और क्वेश्चन मैं करता हूँ 36 आपके जो मैंने असाइनमेंट दिया है उसमें कहता है एक्स एंड वाई इन अ फर्म, दो पार्टनर है, एक एक्स है एक वाई है, एक्स एंटाइड सैलरी 10,000 पर मंथ, सैलरी बोलता है 10,000 पर मंथ यानी 1,20,000, एंड वाई एंटाइड सैलरी 25,000 रुपए, तो इसको तो सिर्फ 25,000 पर एनम है, देखना तो पूरे साल का ही है, तो एक का 10,000 पर मंथ है, और कहता है टुगेदर विद कमीशन 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर सैलरी बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और कमीशन भी दिया जाएगा, किसको कमीशन दिया जाएगा, एक्स को, और 10%, लेकिन क्या, आफ्टर चार्ज पार्टनर सैलरी, सैलरी यानी दोनों पार्टनर के सैलरी को माइनस करने के बाद, लेकिन बिफोर चार्ज एनी कमीशन, तो सिंपल क्वेश्चन है ये तो। वाई एंटायर्ड सैलरी 25,000 टुगेदर विद कमीशन 10% आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन एंड पार्टनर सैलरी,
ये भी 10% लेगा, लेकिन आफ्टर ऑल कमीशन। तो अपने कमीशन की बात कर रहा है ये, बिल्कुल कर रहा है, ऑल में इसका भी इंक्लूड होगा, तो 10/110 होगा कमीशन एंड सैलरी। ठीक है, एंड पार्टनर सैलरी, द नेट प्रॉफिट प्रोवाइडिंग सैलरी एंड कमीशन ईयर एंडेड जो प्रोवाइड किया गया है 4,20,000, और नेट प्रॉफिट है हमारा, नेट प्रॉफिट है 4,20,000। क्वेश्चन नंबर कर रहा हूं 36, जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अब कैसे करेंगे इसको? देखो, सबसे पहले किसका कमीशन निकालना चाहिए वो ध्यान दो। तो ये पार्टनर ऐसा तो नहीं बोल रहा मेरा कमीशन माइनस करके, ये कोई भी कमीशन माइनस करने की बात नहीं कर रहा, लेकिन ये बोलता है सारे कमीशन। तो पहले इसका निकालेंगे, तो अगर मैं इसका निकालूं तो इसका कमीशन होगा इज इक्वल टू आफ्टर चार्जेस पार्टनर सैलरी, तो यानी 4,20 माइनस पार्टनर सैलरी करो, कितना होगा दोनों का, तो 1,45,000, क्योंकि पार्टनर सैलरी में दोनों ही आ गया, 1,45 ये हो गए ना दोनों सैलरी, 1,45। इसका सिंपल 10/100 जो कि आएगा हमारा 4,20 में से 1,45 माइनस करेंगे, कैलकुलेटर, 4,20 में से इसका आंसर आ गया 27,500। नाउ अभी ये इसका कमीशन कैसे निकलेगा, नेट प्रॉफिट 4,20, सारे सैलरी माइनस करो तो 1,45, सारा कमीशन भी माइनस कर दो यानी मेरा भी और इसका भी, तो इसका कमीशन तो पता है 27,500, और मेरा नहीं पता, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 10/110। तो 4,20 माइनस 1,45 माइनस 27,500 का 10/110, तो ये आ गया 22,500। ठीक है ना, देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया, नहीं तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आंसर देखोगे 22,500, 27, और बाकी के आंसर भी दे रखा है, बस हम कमीशन कमीशन निकालेंगे। ठीक है, इसको नोट करिए साथ के साथ। क्वेश्चन 33 आपने करना है, मैं पूरा क्वेश्चन करवाऊंगा इसे, लेकिन एक बार मैं आंसर तो दे रखा है, आप एक बार ट्राई करेंगे। क्वेश्चन 34 ध्यान से देखिए। ए बी सी पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट 2:1 है, ए एंटायर 10% कमीशन, नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, यानी कहता है कि ए को कमीशन मिलेगा 10% और कोई भी कमीशन माइनस करे हुए, और कहता है नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 1,10, तो हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है 1,10,000, और जो ए पर्सन है ये बोलता है मुझे कमीशन दो, इसमें से कमीशन माइनस ना हो, तो सिंपल सा जवाब है 10% डिमांड करता है, तो 10/100 यानी 11,000। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है, आसान आसान सा है। कहता है एक्स वाई जेड आर पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप डीड, जेड एंटायर्ड कमीशन, नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब होता है खुद का कमीशन माइनस करने के बाद 10%, द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग कमीशन 2,20। तो कहता है भाई हमारे पास जो नेट प्रॉफिट है ना वो 2,20 है, और कमीशन कौन लेने के लिए तैयार है, कहता है कि जेड, और जेड को जो कमीशन मिलेगा ना तो मेरे कमीशन को माइनस करने के बाद, यानी माइनस नहीं है इसमें से अभी, तो इसका आंसर क्या होगा बताओ, कमीशन अपनी खुद की भी माइनस करने की बात करता है, तो 10/110, तो 20,000। तो 36 के बाद 37, ए एंड बी एंड सी पार्टनर, शेयरिंग प्रॉफिट दे रखा है, दे एंटायर प्रॉफिट 1,80, 1,80 का प्रॉफिट है, एंटर 31 मार्च एज पर पार्टनरशिप डीड, द चार्जिंग कमीशन 20% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, कमीशन के बाद दे विल बी शेयर 2,3,2,3। तो देखो चार पार्टनर है, कहता है जो ये कमीशन है वो कमीशन 20% होगा आफ्टर चार्जिंग,
और जो हमारा कहता है कि जो बटेगा वो 2:3, 2:3 में बट जाएगा। तो देखो प्रॉफिट देता है 1.80, 1.80 पे मैं यहां करके दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 37। तो नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है ना 1,80,000, तो 1.80 का आफ्टर चार्जिंग है तो आपका आएगा 20%, यानी 20/120। तो पहले तो आप कमीशन निकाल लीजिए यहाँ पे, 1.80 × 20/120, ये आ गया 30,000। अब इस 30,000 किसका कमीशन है, बस यही यहाँ पॉइंट है। क्वेश्चन में ये नहीं बोलता, कहता है द अर्न प्रॉफिट 180 एंड पार्टनरशिप डीड कमीशन 20%, और कमीशन दे शेयर। अब ये कमीशन तीनों का है, किस किस का है, ये ए बी सी डी, ए का भी है, बी का भी है, सी का भी है और डी का भी है। और ये बांटेंगे किस रेशो में, ये बांटेंगे 2:3 एंड 2:3, 2:3, 2:3 के रेशो में, ठीक है, 2:3, 2:3 के रेशो में। तो ये आ गया 2 और 3 5 और 5 10, 30,000 / 10 × 2, तो 6,000 इसके हिस्से में आएगा, 6,000 और 6,000 के बाद 3, 9,000। तो ये क्या होगा, ए के हिस्से में 6,000 आ जाएगा, 9,000 आ जाएगा, और इसके हिस्से में भी 6,000 आ जाएगा, और इसके हिस्से में 9,000 आ जाएगा। इसको ध्यान से आप देखिएगा, इसको जो 6,000 9,000 बांटा है उसको आपने कंसिडर करना है, ठीक है। तो हमारा ये डाउट भी खत्म हो गया, आज का टॉपिक खत्म। अगली क्लास में हम गारंटी स्टार्ट करेंगे और फिर पास्ट एडजस्टमेंट, ये चैप्टर हमारा ओवर हो जाएगा। हाँ, कुछ बच्चे का क्वेश्चन जो 15 डाउट था, अब ट्राई करना वहां पे किस तरीके से कमीशन निकालना है, और ये भी ट्राई करना। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज के लिए इतना ही। बाकी आप असाइनमेंट को करें, और डाउट क्लास भी मैं लूंगा आपका, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का भी। और एक कुछ बच्चे बोल रहे थे एक का आंसर गलत है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में, उसको भी सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। और जाते जाते एक मैसेज देना चाहता हूँ, देखो जो मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इस वीडियो को बनाने में ना बहुत एफर्ट लगता है, सारे कैमरे को सेटिंग करना पड़ता है और साथ के साथ हमें रिकॉर्ड एडिटिंग करना पड़ता है। तो 1 घंटे की अगर क्लास को रिकॉर्ड करूँ तो 2 घंटे तो रिकॉर्डिंग में लगेंगे और 3 से 4 घंटे एडिटिंग में लग जाएंगे, यानी 1 घंटे की क्लास में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं टोटल। लेकिन काफ़ी सारे बच्चे उस चीज़ को वैल्यू नहीं करते, तो मैं आप सभी से यही बोलूँगा कि आप चाहे जिस तरीके से वीडियो देखते हैं तो पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और कमेंट और लाइक करें, ताकि मैं तो आपसे कोई चार्जेस नहीं ले रहा, लेकिन मुझे थोड़ा बहुत हेल्प मिल पाए, इसलिए मैं आपसे बस कहना चाहता हूँ, थोड़ा मोटिवेट हो पाऊँ कि भाई मैं जो कर रहा हूँ 4-5 घंटे लगा रहा हूँ आपके लिए, वो वैल्यूएबल है। नहीं तो फिर मेरे वीडियो बनाने का कोई ऐसा फायदा नहीं होगा जब तक कि आप इसे शेयर नहीं करेंगे, और आप जब तक इसको कमेंट में बताएंगे नहीं कि कितना डाउट है, नहीं है, क्लियर हो नहीं रहा। तो जब तक मैं खुद को इवेल्युएट नहीं कर पाऊंगा तब तक मैं बता नहीं सकता, और इवेल्युएट तब तक नहीं कर पाऊंगा जब तक आप मुझे कमी या अच्छाई के बारे में ना बताएं। तो बस यही कहूंगा, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, थैंक यू सो मच। बाकी की सारी क्लासेस आपको मैंने प्रोवाइड की हुई है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।